नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके इंडियन रेलवे के यूट्यूब चैनल रेल ज्ञान पर। मैं प्रखर सिंह आज आप सबके लिए इंडियन रेलवे से रिलेटेड एक नया वीडियो लाया हूँ। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बाकी वीडियोस को पसंद करने के लिए और इस चैनल को इतना सपोर्ट देने के लिए। तो बिना देरी किए चलिए आज के टॉपिक पर चर्चा शुरू करते हैं। आज हम सिंगल लाइन बीपीएससी के लास्ट पार्ट पर आ गए हैं। इस पार्ट के साथ ही सिंगल लाइन बीपीएससी की पूरी वर्किंग खत्म हो जाएगी, सब कुछ आप सबको समझ में आ जाएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे कैंसिलेशन के बारे में। कैंसिलेशन एंड नॉर्मल वर्किंग में आती है, रोज रोज काम नहीं पड़ता, कभी कभार ही काम पड़ता है, बट एक जरूरी हिस्सा है डे टू डे वर्किंग का। तो इसलिए आज हम लोग सिंगल लाइन बीपीएससी में कैंसिलेशन कैसे करते हैं कि यदि सेंडिंग स्टेशन पर ट्रेन गोइंग टू पे कर लिया गया हो और रिसीविंग स्टेशन पे ट्रेन कमिंग फ्रॉम पे कर लिया गया हो, यानी कि ट्रेन चलाने की पूरी व्यवस्था हो गई हो, लाइन क्लियर ले लिया गया हो और अचानक से कोई वजह से उस मूवमेंट को कैंसिल करना हो, उस ट्रेन को न भेजना हो, उस मूवमेंट को न करना हो, तो बिना ट्रेन के गए हुए, बिना ट्रेन के एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन गए हुए, ट्रेन गोइंग टू से वापस लाइन क्लोज पे वापस नॉर्मल पोजीशन में और इधर टीसीएफ से वापस नॉर्मल पोजीशन में क्लोज पोजीशन में इंस्ट्रूमेंट को कैसे लाते हैं, आज हम लोग ये सीखेंगे। तो सबसे पहले तो एक सिचुएशन कंसिडर कीजिए कि डाउन में एक ट्रेन है 0:42:74 डाउन, इसको जाना है ए से बी, है ना, ए से बी भेजना है। तो पूरी ड्रिल हो चुकी है। अब अचानक से सेक्शन कंट्रोलर का फोन आया, घंटी मारी सेक्शन कंट्रोलर ने ए स्टेशन के स्टेशन मास्टर को और बताया कि ये 0:42:74 का जो आप मूवमेंट कर रहे हैं इसे रोक लीजिए, हम कुछ और मूवमेंट कराएंगे, इसको अभी ना भेजिए। अब कंसिडर कीजिए कि आपने जो है लाइन क्लियर इसके लिए ले रखा है, 0:42:74 की पूरी ड्रिल आप कर चुके हैं, आपने प्राइवेट नंबर दे दिया, प्राइवेट नंबर ले लिया है रिसीविंग स्टेशन से, आपका ये जो सेंडिंग स्टेशन का ट्रेन गोइंग टू पर एरो हो चुका है, रिसीविंग स्टेशन का ट्रेन कमिंग फ्रॉम पर हो चुका है, और यहां तक ही नहीं, आपने एडवांस स्टार्टर यानी कि अपना लास्ट स्टॉप सिग्नल भी, एडवांस स्टार्टर या स्टार्टर जो भी हो, उसको लोअर कर रखा है। तो ऐसी सिचुएशन में जब कंट्रोलर का फोन आएगा तो आप देखेंगे कि स्थिति क्या है, क्या आप उस ट्रेन को रोक सकते हैं जाने से पहले, क्योंकि ट्रेन तो थ्रू लगी हुई है। तो सबसे पहले तो आप यही करेंगे कि जितने भी डिपार्चर सिग्नल्स हैं लास्ट स्टॉप सिग्नल को लेते हुए उस ट्रेन के लिए जो आपने लोअर कर रखे हैं, उनको आप सबसे पहले ऑन पोजीशन में लाएंगे, ग्रीन से रेड करेंगे, ताकि ट्रेन जो जा रही है, जो थ्रू लगी है, उसका लोको पायलट तुरंत रुक जाए, ठीक है। आपने चलिए डिपार्चर सिग्नल्स तो वापस ऑन पर कर लिए, ठीक है, सबसे पहला काम ये किया। उसके बाद रूट जो लॉकिंग है वो भी इंश्योर करना है कि रूट जो पूरा लॉक हो चुका था वो भी रिलीज हो जाए, वो सब जब लॉक वॉक हो जाएगा वो सब अलग सिनेरियो है। तो सिग्नल को, डिपार्चर सिग्नल्स को वापस ऑन स्थिति में करने के बाद आप सबसे पहले ये इंश्योर करेंगे कि आपके यहाँ SNK चल रहा हो और SNOEK चल रहा हो। इसका मतलब ये होगा कि आपके यहाँ के डिपार्चर सिग्नल्स और रिसीविंग स्टेशन के डिपार्चर और रिसेप्शन सिग्नल्स दोनों वापस ऑन स्थिति में है, कोई भी सिग्नल लोअर नहीं है। ये इंश्योर करने के बाद आप घंटी मारेंगे टर्न, कैसे, यहां पे बेल बटन दबा के घंटी मार दी, स्टेशन बी को भी तो बताना पड़ेगा कि कैंसिल करना है, घंटी मारी आपने, स्टेशन बी ने रिप्लाई दिया, आपने पूरी स्थिति बताई कि ये जो 0:42:74 का हमने जो मूवमेंट तय किया था, ये जो आपके यहां जानी थी ये अभी नहीं जाएगी, कंट्रोलर ने मना किया, कुछ और मूवमेंट कराएगा, तो इसका मूवमेंट कैंसिल होना है, तो बी को आप बता देंगे। तो जिस प्रकार ट्रेन सेंडिंग के टाइम दोनों लोग प्राइवेट नंबर देते हैं, ए भी देता है और बी भी देता है, उसी प्रकार कैंसिलेशन के टाइम भी दोनों एक एक प्राइवेट नंबर देंगे। तो चलिए कैंसिलेशन के लिए ए ने अपना प्राइवेट नंबर दे दिया 2525 और बी ने दे दिया 7575, ठीक है, दोनों ने प्राइवेट नंबर इशू कर दिया। अब आगे की ड्रिल देखिए, स्टेशन ए इंश्योर कर चुका है कि SNK और SNOEK चल रहा है उसके यहाँ, स्टेशन बी भी अपने यहाँ ये इंश्योर करेगा कि SNK और SNOEK उसके यहाँ चल रहा हो। ये सब इंश्योर करने के बाद स्टेशन ए कॉपरेशन देगा, कॉपरेशन कैसे देगा, कैंसिल कॉपरेशन बटन दबा के, सेंडिंग स्टेशन स्टेशन ए कैंसिल कॉपरेशन बटन दबाएगा और जैसे ही ये अपना कैंसिल कॉपरेशन बटन दबाएंगे स्टेशन ए के मास्टर साहब, वैसे ही स्टेशन बी में यहां पे जो कॉपरेशन की इंडिकेशन दिख रही है ये
CO-OP करके मैंने लिखा, ये कॉपरेशन की इंडिकेशन है। जैसे ही स्टेशन ए कैंसल कॉपरेशन दबाएगा और दबा कर रखेगा, वैसे ही यहां कॉपरेशन मिल जाएगी। इसका मतलब यह है कि सेंडिंग स्टेशन ने कॉपरेशन दे दी है कैंसिल करने के लिए, आपके पास कॉपरेशन मिल चुकी है। और जैसे ही रिसीविंग स्टेशन का स्टेशन मास्टर यानी स्टेशन बी का स्टेशन मास्टर देखेगा कि कॉपरेशन मिल गई है, वो बेल बटन और कैंसिल बटन, ये वाली जो बटन जो येलो कलर की है, बेल बटन और कैंसिल बटन दोनों को एक साथ दबा देगा। दोनों को एक साथ दबाने पर पहले बात तो ये होगा कि कॉपरेशन का जो इंडिकेशन है बंद हो जाएगा, कैंसिलेशन का इंडिकेशन ये वाला जो ब्लॉक है CAN, जो मैंने CAN डॉट करके लिखा हुआ है, ये येलो कलर ब्लिंकिंग फ्लैशिंग येलो चलना चालू हो जाएगा, मतलब कैंसिलेशन की विधि स्टार्ट हो गई है। और कब तक कैंसिलेशन चलेगा? 120 सेकंड तक। ये 120 सेकंड तक फ्लैशिंग येलो करेगा, ठीक है, ये जो कैंसिलेशन इंडिकेशन है। इधर क्या होगा ये देख लेते हैं। ये जो आपका सेंडिंग स्टेशन पर ट्रेन गोइंग टू पर था, ये रहेगा तो ग्रीन ही, ये इंडिकेशन जलती रहेगी, लेकिन ये बदल जाएगी फ्लैशिंग ग्रीन में। और कब तक फ्लैश करेगा? 120 सेकंड्स, ठीक है। और जो ट्रेन और जो सेंडिंग स्टेशन पर TCF आपने कर रखा था, इसकी ये भी ग्रीन रहेगा लेकिन फ्लैशिंग ग्रीन हो जाएगा। फ्लैशिंग ग्रीन कब तक रहेगा? ये भी 120 सेकंड तक, ठीक है, फ्लैश करता रहेगा। क्या क्या चीजें फ्लैश कर रही है देख लीजिए। इधर कैंसिलेशन का इंडिकेशन 120 सेकंड तक फ्लैश कर रहा है, इधर जो आपने TGT कर रखा था ये 120 सेकंड तक फ्लैश कर रहा है, इधर जो TCF हो रखा था सेंडिंग रिसीविंग स्टेशन पे वो 120 सेकंड तक फ्लैश कर रहा है। तीन चीजें 120 सेकंड तक फ्लैश करती रहे। और फिर क्या होगा? फिर ये जो तीनों इंडिकेशन TGT की फ्लैशिंग ग्रीन हो रही थी 120 सेकंड तक, ये जो ट्रेन कमिंग फ्रॉम की रिसीविंग स्टेशन पे 120 सेकंड तक फ्लैश हो रही थी, और ये जो कैंसिलेशन की इंडिकेशन थी 120 सेकंड तक फ्लैश होनी थी, ये 120 सेकंड की अवधि के खत्म होने पर क्या होगा बताइए? 120 सेकंड खत्म होने पर, इस समय अवधि के खत्म होने पर ये सब जाएंगी बुझ। क्या हो जाएगा? बुझ, बुझा, बुझ, बुझ, सब बुझ जाएंगी, ठीक, बुझ गई। इधर कैंसिलेशन बुझ गया है ना, इधर ट्रेन पूरी मिट गई, ट्रेन नहीं मिटी, मूवमेंट मिटा उसका, ठीक है, ट्रेन मिट गई, ट्रेन का मूवमेंट मिट गया, मूवमेंट कैंसिल। अब होगा क्या? ये जितने भी इंडिकेशन थे सब नॉर्मल पर आ गए, ट्रेन गोइंग टू जो जल रहा था फ्लैशिंग ग्रीन बंद हो गया, इधर ट्रेन कमिंग फ्रॉम जो जल रहा था फ्लैशिंग ग्रीन बंद हो गया, 120 सेकंड का जो टाइमर से जो कैंसिलेशन फ्लैश कर रहा था बंद हो गया इंडिकेशन। अब क्या होगा? इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा आपका नॉर्मल पोजीशन में दोनों तरफ का, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ ये जो आपकी येलो इंडिकेशन है लाइन क्लोज की, ये जल जाएगी। और लाइन क्लोज इंडिकेशन के जलने का मतलब है कि इस समय इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स में कोई एंगेजमेंट नहीं है, ब्लॉक सेक्शन में कोई ट्रेन नहीं है, ना कोई ट्रेन के लिए कोई मूवमेंट इंटेंड हुआ है, ना कोई मूवमेंट होने वाला है, नया फ्रेश मूवमेंट स्टार्ट किया जा सकता है। मतलब आप एक नया मूवमेंट करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। जो पिछला मूवमेंट था वो कैंसिल हो चुका है, लाइन क्लोज जल गया है, अब नया मूवमेंट आप आराम से करिए। उसकी विधि वही है जो पार्ट 3 में बताई है, नॉर्मल वर्किंग में कैसे ट्रेन भेजते हैं वैसे ही आप भेजेंगे। तो ये पूरा कैंसिलेशन की वर्किंग थी जो आज आप लोग को बता दी। तो ये इंस्ट्रूमेंट बहुत आसान है, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट सिंगल लाइन BPSC, मुझे बहुत पसंद है, बड़ा आराम है इसमें, बहुत आराम है, लेकिन दिक्कत भी है। इसकी सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जिसे कह सकते हैं वो ये है कि भैया आपके यहां गाड़ी आगे खड़ी हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। हम पहले बता चुके हैं, आज फिर बता रहे हैं कि अगर रिसीविंग स्टेशन की SM की लगी हुई है इंस्ट्रूमेंट में, शंट की अंदर है और शंट रिलीज की आउट पोजिशन में है, तो सेंडिंग स्टेशन ट्रेन भेज देंगे और आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। अब एक सिचुएशन कंसीडर कीजिए कि आपके यहां रिसीविंग स्टेशन पे SM की लगी हुई है, शंट रिलीज की आउट पोजिशन में, शंट की इन पोजिशन में है, और ए ने क्या किया कि आपको बिना बताए, बिना पूरी ड्रिल किए, बिना घंटी वंटी मारे, उसने किया क्या, भड़ाक से
ऐसे बेल बटन और ट्रेन गोइंग टू बटन दबा दी, पहला काम क्या होगा, ट्रेन गोइंग टू पे उसका हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट, आपका टीसीएफ पे हो जाएगा। आप अटेंटिव होंगे तो जान जाएंगे, नहीं होंगे तो उसका आगे का देखिए फिर क्या होता है। अब इनका टीजीटी पे हो गया तो अब ये अपना लास्ट जो स्टॉप सिग्नल है ये इसको तो लोअर कर ही सकते हैं, ये लोअर कर देंगे सारे डिपार्चर सिग्नल और लास्ट स्टॉप सिग्नल। अब होगा क्या कि ट्रेन जैसे ही लास्ट स्टॉप सिग्नल पार करेगी इनका तो ब्लॉक सेक्शन में एंटर करेगी, ब्लॉक सेक्शन में एंटर करने पर दोनों तरफ बचता है क्या, बजर, बताया ही था पार्ट थ्री में। तो जब बजर बचेगा तब आप झरना का रिश्ता ही का हो गया, पगला जाएंगे एकदम कि अरे हम तो कोई गाड़ी दिए ही नहीं, कहां से ले आ रही, हमने तो किसी को अथॉरिटी नहीं दी, ना प्राइवेट नंबर एक्सचेंज हुआ, ना ड्रिल हुई, ट्रेन कौन सी चली आ रही है। अब तब आप घंटी मार के पूछे उछेंगे जो भी होगा, लेकिन आप कर कुछ नहीं पाएंगे क्योंकि ट्रेन ऑलरेडी ब्लॉक सेक्शन में आपके घुस चुकी है, अब वो आपकी टेरिटरी में आ रही है, अब वो आके रुकेगी आपके फर्स्ट स्टॉप सिग्नल पर ही, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसमें यही एक दिक्कत है। खैर इस तरह की सिचुएशन जल्दी आती नहीं है, ना कोई करता होगा, क्योंकि दोनों स्टेशन के स्टेशन मास्टर आपसी सामंजस्य बना के ही चलते हैं, बिना घंटी मारे बिना पूरी ड्रिल किए कोई मूवमेंट नहीं होगा। फिर भी इसीलिए अपनी सेफ्टी के लिए एसएम की दी गई है, शंट रिलीज की दी गई है। अगर आप स्टेशन से बाहर जा रहे हैं, पैनल रूम से बाहर जा रहे हैं, अपने ऑफिस से बाहर जा रहे हैं जहां इंस्ट्रूमेंट लगा है, वॉशरूम तक भी जा रहे हैं, तो इंश्योर कर लीजिए कि एसएम की को आउट पोजीशन में कर दीजिए, और नहीं तो शंट रिलीज की को आउट पोजीशन में कर दीजिए। कोई एक की अगर आप आउट पोजीशन में रखेंगे तो कोई मूवमेंट आपकी अधिकारी के बिना, आपकी अथॉरिटी के बिना, आपके अधिकार के बिना, आपके बिना कोई मूवमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये थोड़ा इसमें ध्यान रखने वाला होता है। बाकी इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत आराम है इसमें, सब कुछ आराम से काम हो जाता है। दूसरा जो दिक्कत लोग बताते हैं वो इसमें ये है कि फेल अक्सर होते रहते हैं, ये UFSVI इसके जो मेन इक्विपमेंट होते हैं वो अक्सर फेल होते रहते हैं, जबकि नाम ही उसका यूनिवर्सल फेल सेफ ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन वो फेल ही ज्यादा होते हैं। तो ये थोड़ा अजीब हो गया सुनने में, लेकिन हाँ फेल हो जाते हैं। तो मेन यही था सिंगल लाइन बीपीएससी की। इसके साथ ही आज ये सिंगल लाइन बीपीएससी की सीरीज खत्म हो जा रही है। जो भी आप सबको ना समझ आया हो कमेंट में पूछिएगा, मैं बताऊंगा, कुछ और जरूरत हो तो भी बताइएगा, और कौन कौन से ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपको जानना है, उनकी वर्किंग जाननी है, उसके बारे में भी कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने और भी दोस्तों के साथ जो रेल की जानकारी चाहते हैं, जो रेल में कार्यरत है या ट्रेनिंग कर रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे ही रेल ज्ञान के साथ जुड़े रहने के लिए। और अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो और हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगे हो तो रेल ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।